में बनाने जा रहा हूँ शाही पनीर। तो सबसे पहले हमने लिया है 4 to 5 टोमेटोस एंड हमने लिया है 3 ऑनियंस, 20 कैश्यू नट, थोड़े से गार्लिक एंड अदरक, दालचीनी, इलायची। सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे एंड उसमें हम ऐड करेंगे टोमेटोस। तो हम टोमेटोज ऐड कर लेंगे एंड अभी हम ऐड करेंगे ऑनियन। अभी हम ऐड करेंगे कैश्यू नट्स एंड गार्लिक ऐड करेंगे। दालचीनी एंड इलायची एंड हम ऐड करेंगे वाटर। एंड इसको हमें बॉईल करना है, हमें इसे 7 to 8 मिनट्स लिड कवर करके बॉईल करना है। तो देखिए 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। हम गैस ऑफ कर लेंगे एंड लिड हटाकर इसको ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे एंड ठंडा होने के बाद हम इसको है ना ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हम प्लेट में निकाल रहे हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, हमने पैन में बटर डाल दिया है, वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड ऑयल को गर्म होने देना है एंड अभी हम ऐड करेंगे शाही जीरा। अभी हम ऐड करेंगे बे लीव्स एंड लौंग एंड इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे। करेंगे ग्रीन चिली लंबी लंबी कटी हुई एंड इसको भी अच्छे से एक बार सेकेंगे। अब हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी एंड कसूरी मेथी को थोड़ा रोस्ट करके अब हम ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी। हम ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला एंड रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। एंड इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। हम इसे 5 to 7 मिनट्स लिड कवर करके पकाएंगे। तो देखिए 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम लिड हटा लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, घी छूट चुका है। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ये बटर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। हम इसको मिक्स कर लेंगे एंड इसमें हम पनीर ऐड कर लेंगे एंड इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। इससे पनीर सॉफ्ट भी होता है एंड इससे फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। पनीर हमारे मैरिनेट हो चुके हैं, अब हम इसको हटा लेंगे। इसी स्टेज में हम ग्रेवी में ऐड करेंगे वाटर एंड मिक्स करेंगे। ये जैसे ये बॉईल होगा हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी बॉईल हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मैरिनेट किए हुए पनीर। तो इसी स्टेज पे हम पनीर को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए रेडी है हमारी शाही पनीर, आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। हमें इसको 2 to 3 मिनट बॉईल होने देना है। तो देखिए रेडी है हमारी शाही पनीर, आपको हम सर्व करके दिखाएंगे। तो देखिए हमने सर्व कर लिया है, मैं इसको गर्मा गर्म फलके के साथ खाऊंगा। आप चाहे तो कुलचा, नान, रोटी किसके भी साथ खा सकते हो। मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा। यम, टेस्टी है एकदम, आप ही ट्राई कीजिए।